दोस्तों काफ़ी लोगों की कंप्लेंट है कि जब भी वो गुड़ का पराठा बनाते हैं तो वो या तो फट जाता है या फिर बनने के बाद वो काफ़ी सख्त हो जाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ उसे बेलने का, जिससे आप उसका पराठा जब बनाओगे तो वो 100% सही बनेगा, फटेगा नहीं और साथ ही में उसकी जो स्टफिंग है वो भी बनने के बाद काफ़ी सॉफ्ट रहेगी। तो चलिए आज आप और मैं चलते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं गुड़ का शाही पराठा। गुड़ का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में एक कप आटा ले लेते हैं। एक चम्मच मैं इसमें देसी घी का ऐड कर लेती हूँ। देसी घी को हम मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ और इसे हम गूंध लेते हैं। तो नॉर्मल जैसे हम आटा गूंधते हैं बस उसी तरह से हमने गूंधना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे पानी डाल के गूंध लेते हैं और इसका आटा बना लेते हैं। आटे को मैंने यहाँ पर गूंद लिया है, इसे हम ढककर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, गुड़ के पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए दोस्तों मैंने इस तरह से गुड़ जो आता है इसे लिया और मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। इस तरह से छोटे ग्रेटर से मैंने इसे ग्रेट किया है और मैंने यहाँ पर इसे हाफ कप लिया है। तो सबसे पहले हम गुड़ को डाल देते हैं एक बाउल में। इसी के साथ दोस्तों मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट के लिए हैं, तो ये भी हम इसमें ऐड करते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है ये गुड़ के पराठे में। साथ ही में हम इसमें डाल रहे हैं सफ़ेद तिल, ये मैंने एक बड़े चम्मच लिया है तो इसे भी डाल देते हैं। साथ ही में यहाँ पर मैंने चार इलायची के बीज के दाने निकाल के उन्हें पीस लिया है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा गुड़ के पराठे को। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक पिंच नमक की ऐड कर रही हूँ। और दोस्तों इसे और ज़्यादा शाही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए चार जो हैं मैंने बादाम लिए हैं और चार काजू लिए हैं, जिन्हें मैंने पीस के पाउडर बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये भी हम इसमें ऐड करते हैं और अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं गुड़ के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। दोस्तों अगर ये स्पून से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप इसे अच्छे से हाथों से भी मसलते हुए मिक्स कर सकते हो। तो ये रेडी हो गया है, आटा भी रेस्ट कर चुका है। तो चलिए अब बेलते हैं गुड़ का पराठा। तो हम आटा ले लेते हैं और हमने क्या करना है, इस आटे को हम इस तरह से चकले के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से रोल कर लेते हैं। इस तरह से रोल बना के हम क्या करेंगे, इसमें से पेड़े काट लेंगे। तो ये जो पराठे हैं दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाती हूँ, छोटे छोटे बनाएंगे। यानी क्या होगा, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उस हिसाब से आप बना लीजिए। तो ये एक डेजर्ट का भी काम करेगा। तो इस तरह से चलिए पहले सारे पेड़े मैं बना लेती हूँ। तो सारे पेड़े हमने बना लिए हैं तो हम बाकी के पेड़े रख देते हैं और एक पेड़े से हम बनाते हैं अपना पराठा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सूखे आटे में थोड़ा सा हल्का सा लपेट लेते हैं और चलिए इसे बेलना शुरू करते हैं। मैं पहले इसे हाथों से ही इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए। तो हमने क्या करना है, बीच में थोड़ा सा मोटा रहने देना है और इसके साइड्स को हम थोड़ा सा फैला रहे हैं। आप देख सकते हो बीच में ये जगह जो है हमने मोटी रखी है, क्योंकि क्या होगा जब हम इसे बेलेंगे हमारी फिलिंग हम इसी के ऊपर रखने वाले हैं तो ये फटना नहीं चाहिए। अगर ये पराठा फट जाता है ना तो पूरा तवा वगैरह भी ख़राब हो जाता है, गुड़ जल जाता है और फिर उसका टेस्ट जो है उतना अच्छा नहीं आता। तो हमने इसे सावधानी से, इसके बेलने का एक तरीका है तो आप देखिए मैं इसे कैसे कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, बेलन लेंगे और हल्का सा इसे बीच में से थोड़ा सा फैला देंगे। हमने साइड से ऑलरेडी इसे फैलाया हुआ है, हम इसे बीच में से हल्का सा फैला रहे हैं और अब हम साइड्स को थोड़ा सा और बेल लेंगे। बहुत इजी वे है दोस्तों, अगर आप इस तरह से बनाते हो ना तो आपके गुड़ के पराठे कभी फटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे बढ़िया बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए हमने कर दिया है, आप देख सकते हो, मैं पास में से आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ये बीच में ये पोर्शन हमने मोटा ही रखा है। तो अब हम इसके ऊपर स्टफिंग डालते हैं, बीचों बीच हम स्टफिंग को रख रहे हैं। ये हमने रख लिया स्टफिंग। अब हमने क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली अपने पराठे बनाते हैं दूसरे स्टफ्ड पराठे जैसे बनाते हैं, बस यहाँ से हम इसे प्लीट्स करते हुए इकट्ठा करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा,
ये जो पोर्शन है प्लीट्स बनाने के बाद अपने आप ये मोटा हो जाता है, और नीचे भी हमने इसे मोटा रखा है, तो ये प्रॉपर एक पराठे का शेप ले लेगा और हमारा पराठा बिल्कुल फटेगा नहीं और बहुत अच्छा बनेगा। और ये जो गुड़ के पराठे होते हैं ना, इसे आपने बहुत ज़्यादा बेलना नहीं होता है, ये थोड़ा सा मोटा ही होता है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, आटे में थोड़ा सा इसे लपेट लेते हैं और हल्के हाथों से हम इसे बेल लेते हैं। ध्यान देना है कि ये फटना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा डेजर्ट का भी काम करता है। आगे सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों के लिए तो गुड़ बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही में हमने इसमें तिल डाला है, नारियल डाला है, ये सारी चीज़ें सर्दियों में कंज्यूम करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, सारे पराठे पहले बेल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने सारे पराठे जो हैं गुड़ के बेल लिए हैं, और दोस्तों आप देखिए इसे हमने काफ़ी मोटा रखा है, इसी तरह से आपने भी बनाना है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगी, जब हम इसे बेलते हैं ना तो इसमें अंदर हवा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी भी हवा रह गई ना तो जब हम इसे सेकेंगे ये टूट के गुड़ बाहर आ जाएगा। तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। तवा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी अप्लाई कर लेते हैं और चलिए इस पराठे को हम डाल देते हैं सेकने के लिए। पलट लेते हैं इसे। जैसे नॉर्मली हम पराठे बनाते हैं बस उसी तरह से हमने इसे बनाना है। अब हमने इसे पलट दिया है, एक तरफ से थोड़े से ब्राउन स्पॉट आ जाएंगे तब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो चलिए इसे हम टर्न कर लेते हैं। आप देख सकते हो इस तरफ ये ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, एक तरफ से ये थोड़ा सा पक गया है। तो अब हम इसके ऊपर घी लगा लेते हैं और फिर से इसे पलट देते हैं और इसे थोड़ा सा हम अच्छे से लाल कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पराठा यहाँ पर बन के तैयार हो गया, और आपने देखा ये बिल्कुल फटा नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप भी बनाओगे ना तो आपका भी गुड़ का पराठा कभी फटेगा नहीं, ना फिर तवा खराब होगा, और ना फिर क्या होता है फट जाता है पराठा तो गुड़ जो है वो जल जाता है, गुड़ बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो इस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो आपके भी पराठे इतने ही बढ़िया बनेंगे। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, बाकी के पराठे भी बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने सारे गुड़ के पराठे अपने बना के तैयार कर दिए हैं, और ये देखिए इस तरह से मैंने छोटा छोटा गुड़ का पीस इसके ऊपर रख दिया है। दोस्तों इसे आप गरम गरम सर्व कीजिए, सर्व करते हुए अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल के सर्व करते हो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी बनता है और एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट का काम करता है ये। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी स्टफिंग कैसी है, देखिए कितनी रस भरी है बिल्कुल। ये देखिए आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा बना है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी इसे बनाएं, आपके भी पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी हम अपने वीडियो को डालेंगे, अपनी अगली रेसिपी डालेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।